स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? ए हिमाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन: पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की थाने बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाहन सीधे थाने के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। अगला प्रश्न: भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? ए 3 मिलियन, बी 5 मिलियन, सी 7 मिलियन, डी 9 मिलियन। आंसर बी 5 मिलियन। एक्सप्लेनेशन: भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में निकटतम में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA को 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किश्त जारी कर दी है। अगला प्रश्न: विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 15 जुलाई, बी 16 जुलाई, सी 17 जुलाई, डी 18 जुलाई। आंसर ए 15 जुलाई। एक्सप्लेनेशन: युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और उनकी कौशल क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। इसकी दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में की गई थी। इस वर्ष इसका थीम शांति और विकास के लिए युवा कौशल यूथ स्किल्स फॉर पीस और डेवलपमेंट है। अगला प्रश्न: किस राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ए उड़ीसा, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। आंसर डी झारखंड। एक्सप्लेनेशन: झारखंड सरकार राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। रांची में प्रस्तावित यह विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला ऐसा शैक्षणिक संस्थान होगा जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से शिक्षा की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहां उनके लिए विशेष कोर्स तथा शैक्षणिक उपकरणों का इंतजाम भी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को शिक्षा के लिए बाहर जाने से रोकना है। अगला प्रश्न: टेस्ट क्रिकेट में 6,000 से अधिक रन और 200 से अधिक विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी कौन बने? ए जेम्स एंडरसन, बी स्टुअर्ट ब्रॉड, सी बेन स्टोक्स, डी जो रूट। आंसर सी बेन स्टोक्स। एक्सप्लेनेशन: इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स गुरुवार को वेस्टइंडीज के महान गैरी सोबर्स और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक स्केलिस की लिस्ट में शामिल हो गए। वे टेस्ट क्रिकेट में 6,000 से अधिक रन और 200 से अधिक विकेट लेने वाले तीसरे और इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।